इस बार आए हैं मेरे पास 5 बॉक्स 5 कार्टून जो कि आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी मछली आ चुकी हैं और ये कार्टून की हालत थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ है। प्लार पैरेट आई हुई है, प्लोलर ब्लू पैरेट है। इनका साइज काफी जबरदस्त है, मतलब कैसी आपने बहुत कम ही देखी होगी, मेरे पास तो शायद फर्स्ट टाइम आई है। इसकी साइज मैं बताऊँ तो इतनी है जितनी बड़ी आपकी जो नॉर्मल पैरेट होती मेरे पास हमेशा आया करती थी, उतनी बड़ी इसकी ये नॉर्मल पैरेट आई है, मतलब पोलार ब्लू पैरेट उतनी बड़ी आई हुई है। रेट भी थोड़ा सा उसके ज़्यादा होंगे। उसके साथ में ये ऑस्कर आया है एल्बिनो, इनका टेम्परेचर मैच करवाने के लिए जितने टैंकों में जो मछलियाँ चली है उनको उसमें शिफ्ट करेंगे। ये फुल मून बेटा फिशेस हैं, इसमें कई सारे कलर हैं, वाइट रेड ब्लू जैसे हमेशा हुआ करते हैं। उसके साथ में हम लोग देखते हैं ये ऑस्कर है, टाइगर ऑस्कर है, ख़त्म हो गई थी पिछली बार आई हुई थी। और इनके रेट वगैरह भी देखते हैं क्या है। अभी मेरे पास 5 कार्टून हैं, इन 5ों कार्टून में क्या क्या है आप लोग इस वीडियो पे देखते रहिएगा। ये आपका सेवरम है, येलो सेवरम, उसके बाद देखेंगे वाइट पोलर पैरेट है, इसका भी साइज़ काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब कि जैसे आपका नॉर्मल पैरेट होता है ना, मैं दिखाता हूँ ये पैरेट जैसे है, ये वो भाग गया, छुप गया कैमरा देखते ही। मैं टेम्परेचर मैच करवाता हूँ, इसके नीचे कुछ है इसमें। हीटर आ चुके हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं मौसम चेंज हो रहा है, कुछ पावर हेड आए हुए हैं, सिलोंग कंपनी के हैं ये। एक सिलिकॉन आया है ओरिजिनल, टाइयो का टर्टल फूड, और ये 100 वाट के हीटर RS कंपनी के जो कि सक्सेस हैं, कामयाब हैं इस दुनिया में, और ये ज़्यादातर सही रहते हैं। सोवो कंपनी के हीटर में प्रॉब्लम होती है कि वो आप नया लोगे तो नए में ही वो ख़राब ही निकल जाएगा, मतलब उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि आप उसको यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको सही ही मिले, कभी उसका ऑटो कट काम नहीं करता कहीं कुछ। बट ये RS का शुरू में तो सही रहता है, बाद में जल्दी ख़राब हो जाता नहीं करते। बट ये बेसिकली कहा जाता है टेक्नोलॉजी में सबसे चीपेस्ट में ठीक ठाक हीटर यही होता है। अब देखते हैं इस कार्टून में क्या है। ब्लू गुरामी, सकर कैट ब्लैक, टाइगर शार्क, ये डांसिंग एयर स्टिक है, इसमें जो बबल्स निकलते हैं डांस करते हुए निकलते हैं, इसे अपन लोग देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में कि कैसे वर्क करता है और कैसा रहता है। एल्बिनो सकर कैट, रेड टेल शार्क, टाइगर बार्ब, सुभांकिन विडो रेड और येलो, बेहतरीन और बड़ी साइज की ब्लैक गोल्ड आई हुई है। ये भी एकदम रेयर ही आई है, जैसे मैंने पोलार ब्लू और प्लेटिनम ब्लू दिखाया आपको बड़ी बड़ी, तो ये भी ब्लैक गोल्ड ही बहुत दिनों बाद आई, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी साइज की है। ये मिल्की कॉर्प बहुत बढ़िया है, एंजल ब्लैक एंजल, ये आखिरी कार्टून है आज का, इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें ओरेंडा गोल्ड है, काफ़ी बेहतरीन और बहुत अच्छी साइज की है। ये नॉर्मल कॉमन गोल्ड है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये एक ऑरेंज कॉर्प है, ये भी बहुत बढ़िया आई है। अब इनको 1x1 करके मैं टैंक में शिफ्ट कर देता हूँ। ये कॉर्प फिश वाला टैंक है। अगर जिस बॉक्स में या पैरनी में मछलियाँ आई हुई हैं उनका पानी अच्छा होता है तो उसी पानी के साथ में मैं डाल देता हूँ, लेकिन आप लोग देखिए टेम्परेचर मैच करवाने के बाद जो एक्वेरियम का पानी है और जो पानी मछलियों का पहले से उसमें थोड़ा थोड़ा मेल्ट करवाते हैं। इस तरीके से आप लोग भी अगर मछलियों को शिफ्ट करते हैं अपने एक्वेरियम में तो आपकी मछलियों को भी कभी कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सही सही होगा। इससे मछलियों को कभी शौक नहीं लगता और वो बहुत ही धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार पानी हो, आपके पानी में हाई क्लोरीन हो, बेनिफिशियल बैक्टीरिया ना हो, एकदम से न्यू पानी हो, उसकी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर जिस तरीके का मेरा पहले से ही पुराना पानी है और जिस पानी में आई, ये तो हल्का सा कचरा दिख रहा, जो एक्वेरियम में फ़िल्टर तो यूज़ करते हैं सभी लोग, वो फ़िल्टर सभी को खींच लेता है जब आप ये कचरा जाता है रात भर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर, और उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया। हाँ, अगर मछलियाँ बीमार हैं, मछलियों फंगस हैं, वो वाला पानी है, उस पानी को बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए अपने एक्वेरियम में। अगर मछलियाँ ऐसी हैं जो अगर आपको दिख रही है उसमें कोई पैरासाइट्स वगैरह लगे हैं, फंगस लगे हैं, तो उन्हें तो आप उस एक्वेरियम पर डालो जिसमें स्वस्थ मछलियाँ पहले से हैं। हमें उनको किसी सेपरेट एक्वेरियम, डॉक्टर टैंक या कोई अलग, पहले उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब वो मछलियाँ पूरी तरीके से एकदम से ठीक हो जाएं उसके बाद हमें बाकी मछलियों के साथ में रखना चाहिए। जैसे कि इस बार की गोल्ड देख ही रहे हैं, ये ब्लैक गोल्ड नॉर्मल गोल्ड बहुत ही बेहतरीन है। ब्लैक गोल्ड की जो मैंने प्राइस रखी हुई है 300 रुपीज़ पेयर, 150 रुपीज़ ईच। आप लोग साइज़ के हिसाब से बताएं कैसा है, कम से कम इसका साइज़ जो है 3 से 4 इंच का है, और ऐसी ब्लैक गोल्ड फिश आती भी बहुत ही कम है। ओरिंडा गोल्ड का भी बहुत ही प्यारा साइज़ है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है।
जिसकी साइज़ है वो ब्लैक गोल्ड की जैसे ही है, लेकिन इसका रेट भी मैंने ब्लैक गोल्ड की जैसे ही रखा है, मतलब कम ही रखे हैं। इसकी क्वालिटी के हिसाब से आप लोग देख पाएंगे कि बहुत प्यारा था, 300 रुपीज़ पेयर। सुभांकिन भी मतलब ऐसी फिशेस में कहेंगे तो सकर कैट बस ऐसी आई थी इस बार, जिनमें काफ़ी ज़्यादा कुछ फंगस वगैरह लगे हुए थे, कुछ सही नहीं थी, बाकी तो सारी की सारी अच्छी हैं। वीडियो डेट्रास हैं इसमें, मैंने जो शुरू में आप लोगों को दिखाया था गोल्ड फिशेस का, कि मैंने टेम्परेचर मिलाया, फिर पानी उसमें मेल्ट किया, उसके बाद मैं एक्वेरियम में उसे छोड़ा, वो प्रोसेस मैंने सारे बैग्स पे किए। बेट्टा फिशेस आप लोग देख पाएंगे, फुल मून बेट्टा है, इनकी साइज़ बड़ी है, पहले जो मेरे पास छोटी छोटा स्टॉक आया था, इस बार बड़ा स्टॉक आया, मतलब पहले वाले के जस्ट डबल है, रेट ज़्यादा हाई नहीं है, 200 रुपीज़ ईच हैं, पिछली बार वाली लगभग 150 के समथिंग रही होगी, 180, तो इस बार 200 रुपीज़ ईच हैं। और इनकी क्वालिटी और साइज़ तो बहुत ही प्यारी है, इसको अपन लोग देखेंगे एक्वेरियम में शिफ्ट करने के बाद भी ये कैसी हैं। और ये बेटा फिशेस के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनकी अलग अलग रहती हैं, एक साथ बिल्कुल भी नहीं रहती हैं, और फीमेल बेटा मेरे पास नहीं है, सेबरम येलो कंडीशन, इसको मैं टिन फाइल बार्ब के साथ ही रख दे रहा हूँ, टिन फाइल बार्ब के साथ में सेबरम बहुत अच्छे से रहती है, मतलब बहुत सारा कंपनी ग्रीन सेबरम के साथ भी रख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जिनके साथ में रखा जा सकता है। उसके बाद ऑस्कर आई है मेरे पास इस बार, टाइगर ऑस्कर जो आई हुई है, बड़ी साइज़ की टाइगर ऑस्कर आई हुई है, और एल्बिनो भी आई, लेकिन ये दोनों की दोनों चार चार ही आई हैं, मतलब चार टाइगर ऑस्कर आई है ब्लैक, चार आई है एल्बिनो, कॉर्प आ गई थोड़ा मीडियम साइज़ में, बड़े में, और ऑरेंज पूरी बेहतरीन तरीके से, मिल्की कॉर्प आ गई जो आउट ऑफ स्टॉक थी, ऑरेंज कॉर्प भी आउट ऑफ स्टॉक थी और मिल्की कॉर्प भी आउट ऑफ स्टॉक थी, दोनों का स्टॉक आ गया और टैंक मेरे पूरे भर गए। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे फेस्टिवल चल रहा, फेस्टिवल ऑफर आ चुके हैं, तो इसमें काफ़ी उसके लिए दीपावली तक के लिए सही है, अब तो चली जाएगा धनतेरस, आप सभी लोगों को दीपावली धनतेरस और की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है मेरा वीडियो कभी लेट आता है, कभी हो सकता है इतना बिजी हो जाता हूँ कि बना नहीं पाता हूँ, उसके लिए आप लोग से सो सॉरी बोलता हूँ, कोशिश करता रहूँगा बना पाऊँ, क्योंकि ऐसे मेरे इस सैटरडे का वीडियो लॉन्च नहीं हो पाया जो कि आज जा रहा है आप लोगों के पास में, बट जैसा भी हो बहुत अच्छे से जाए सबका फेस्टिवल, आप लोग भी बहुत खुशी के साथ मनाइएगा। टाइगर बार देख सकते हैं, कोई कोई पन्नी में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, लेकिन वो सेकंड डेज आप देखेंगे टैंक में, मैं इसी वीडियो पे दिखाऊंगा, तो सबका सब साफ हो गया है। रेटल सार के भी कलर देखें, रेड कलर भी नहीं दिख रहा फिन में और ब्लैकनेस भी कम दिख रही थी, वो भी देखेंगे इसी वीडियो में कैसे आ जाता है। उसके बाद में एंजल फिश तो बहुत ही बेहतरीन आई है, इसका पानी मैं इसके निकाल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे एक्वेरियम का पानी एकदम लेवल भरा हुआ है। कई बार ऐसा होता है एक्वेरियम में पानी कम ज़्यादा होता है, तब हम लोग पॉलीथीन से पानी भी निकाल देते हैं, फिर मछलियाँ डालते हैं, लेकिन वो भी कन्वर्ट करने के बाद ये टेम्परेचर मिला के मेल्ट करने का। इस पानी को देखो और इन फिशेस को देखें, ये सकर कैट का बैग है एल्बिनो, साइज़ तो इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इसके साथ में देखेंगे कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब फिशेस की ख़राब थी, मतलब कई सारी मर भी गई थी। ऐसा इस कंडीशन में होता है, मैं आप लोगों को सही बात बताऊं तो ये पैकेट्स रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये 24 घंटे की पैकिंग होती ना, तो ये पहले से ही 24 घंटे पैक रहता है, उसके बाद 24 घंटे आगे के लिए लोग रेफ़र कर देते हैं, या तो ऐसा रहता हो कि बीमार मछलियाँ रहती हैं और बीमार पैक कर देते हैं तो पन्नी के अंदर मर जाती है, यही जो आपकी ब्लैक वाली सकर कैट है वो भी, लेकिन मैं कोई फंगस वगैरह तो दिख नहीं रहा था, बिल्कुल सही दिख रही थी, और एकदम से जितनी मतलब मरी थी उनको मैंने निकाल दिया था। सेकंड डे देखा तो बाकी सब तो ठीक ही, अभी भी ठीक ही हैं, वीडियो पे भी आप लोग देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं और सब कुछ सही ही है, लेकिन ये है कि मरी मछलियाँ जो रहे हैं उससे उस दिन आए हुए, तो आप तुरंत तुरंत निकाल ही दें उन्हें, एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे और भी ज़्यादा फंगस फैलने का खतरा रहता है, और जिस पन्नी में मछलियाँ मरी हों उस पानी को तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए एक्वेरियम के अंदर से। फिशेस बस आप रख सकते हैं, पोलार पैरेट है जो ये वाइट कलर की, वाइट पोलार पैरेट है, बहुत अच्छा साइज है, नॉर्मल पैरेट का साइज का है। बिट्टा फिशेस की कर रहे हैं अब अनबॉक्सिंग, अपन लोग एक एक करके देखेंगे कौन कौन सी साइज़ है और कैसी कैसी क्वालिटी है। गोल्डन बिट्टा फिश खुल गई है, तो आज दूसरा दिन हो चुका है, आप लोग देखेंगे आज कि आज मछलियों की कंडीशन कैसी हैं, और बहुत सारी मछलियाँ जितनी सेंसिटिव थी उतनी अच्छी आई हुई, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे ब्लैक गोल्ड, ये बहुत ही प्यारी, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, साइज़ भी, और ऐसी कंडीशन की ब्लैक गोल्ड बहुत ही कम मिलती है और बहुत कम आ पाती है हमारे पास, तो ऐसा ही है, पता नहीं सब जगह मिल पाती हैं या नहीं। जो इनकी कीमत है 150 रुपीज़ ईच हैं, और बाकी नॉर्मल गोल्ड है ये 50 रुपीज़। उसके बाद हम लोग जो बड़ी साइज़ की पोलार ब्लू पैरेट आई हुई है इनके बारे में देखेंगे, ये मेरे पास ज़्यादा नहीं क्योंकि इनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो नॉर्मल पैरेट फिशेस होती हैं जैसे कि नॉर्मल सेबरम होती है, येलो सेबरम हो गया, और ये हमारा पैरेट हो गया जो नॉर्मल रेड पैरेट बोलते हैं, और ये है आपका पोलार पैरेट, लगभग सेम साइज ही है। इनकी भी कंडीशन आप लोग देखेंगे सेकंड डेज की एकदम से सही हैं, और भी सही रहेंगे अगर ये आपके एक्वेरियम पहुंच जाएंगे, आप इनकी कम्युनिटी और इनका केयर और अच्छे तरीके से करेंगे। तो इनका जो प्राइस हम लोगों ने रखा हुई ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 200 रुपीज़ ईच है, 400 रुपीज़ पेयर हैं। इनकी साइज़ देखें लगभग इतनी है,
अब देखते हैं अपने टाइगर बार्बी, ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी पूरी तरीके से, जो कि आ चुका है इनका स्टॉक और बहुत बेहतरीन और एकदम फ्रेश टाइगर बार्ब आई हुई हैं। और इनका जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ ईच है, 50 रुपीज़ पेयर हैं। गप्पी फिशेस ये हैं, ये थोड़ा सा इनकी साइज़ छोटी है और इनकी क्वांटिटी लेकिन काफ़ी अच्छी है मेरे पास, भले इनका साइज़ छोटा है। और जो इनकी प्राइस है गप्पी फिशेस की 20 रुपीज़ ईच है, 40 रुपीज़ पेयर हैं। अब अपन लोग देख रहे हैं बेटा फिशेस, फुल मून बेटा हैं और ये मेरे पास 6 पीसेस आई हुई हैं और इनके जो प्राइस हैं वो इस बार 200 रुपीज़ ईच हैं, 200 रुपये की एक हैं। ये दूसरा कलर है, रेड टाइप में है और ये थोड़ा सा वाइट और गोल्डन में है जो इसके पहले हम लोग देखे थे। और ये तीसरे नंबर पे कुछ रेड और ब्लू, ये एकदम से रेड हैं। ये भी थोड़ा सा अलग रेड है और ये काफ़ी डार्क रेड है एकदम से और काफ़ी खूबसूरत भी है। ये पूरी गोल्डन बेटा फिशेस है फुल मून, इनके सभी के प्राइस 200 रुपीज़ ईच, 200 रुपये की एक हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे मेरे पास मिल्की कॉर्प, शुभांकिन, ऑरेंज कॉर्प, इनका सारा का एकदम से फ्रेश स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छा है। इसके साथ में कुछ सार भी डली हुई हैं, जो इनकी प्राइजेज हैं वो 60 रुपीज़ ईच है, मिल्की की भी है और कॉर्प की भी है। और जो शुभांकिन हैं और जो छोटे साइज़ की कॉर्प हैं वो 50 रुपीज़ ईच हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ओरेंडा गोल्ड फिश, इसका आप सेकंड डे पे देख सकते हैं सारी की सारी, बहुत ही इनका साइज़ ही बहुत अच्छा है और इनके प्राइस भी उसके हिसाब से। और जो इनका प्राइस हम लोगों ने रखा हुआ है 300 रुपीज़ पेयर, 150 रुपीज़ ईच। इसके साथ में डॉलर फिश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रह रही, काफ़ी कम्फर्ट है। इसके साथ में कुछ कॉर्प हैं, कुबोतो कोई है जो इसके पहले थी, वो सब के सब बहुत अच्छे तरीके से इस पर हैं। उसके बाद पोलार पैरेट जो वाइट वाली थी, इसको मैंने शुभांकिन और किसिंग गुरामी के साथ रख दिया था, जो कि इनके साथ में भी ये काफ़ी अच्छी है। उसका साइज़ देख पाएंगे, ये भी पैरेट फिश जो नॉर्मल होती हैं या सेवरम होती है, जो नॉर्मल येलो सेवरम आती हैं उन्हीं जितना है। और जिसकी प्राइस है वो 250 रुपीज़ ईच है, शुभांकिन फिशेज वही 50 रुपीज़ ईच हैं। कलर वीडो टेट्रा आप लोग देख पाएंगे कि यही नेचुरली हर बार जो आता है, साइज़ थोड़ा सा वही है, क्वालिटी फ्रेश है। कलर मेरे पास ज़्यादातर पिंक और ग्रीन आए हैं और येलो, और इनकी जो प्राइस है 40 रुपीज़ ईच है। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा सेवरम, मेरे पास फिर से आई येलो सेवरम, इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है पहले से, इसकी वजह से हम लोगों ने इसका रेट थोड़ा सा कम कर दिया। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, 10 फाइल बार के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रह रही है। और इनका कलर भी देख पाएंगे कि इनके बॉडी में डॉट और येलो बिल्कुल साफ साफ है। इनकी प्राइस 120 रुपीज़ ईच है, 240 रुपीज़ पेयर है। ऑस्कर की वेराइटी भी मेरे पास आ गई है, एल्बिनो ऑस्कर आई 4, टाइगर ऑस्कर आई थोड़ा सा पहले से बड़ी, ये भी 4 हैं। और छोटी वाली ऑस्कर आप लोग देख लेंगे इसके साथ में, तो आप लोगों का अंदाज़ा लग जाएगा कितनी बड़ी कितनी छोटी, जैसे पुरानी है, जो लोग मेरी पुरानी ऑस्कर देखे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़ी ऑस्कर कितनी बड़ी है। वाइट और एल्बिनो ऑस्कर भी देख सकते हैं कि कितनी है। जो बड़ी वाली ऑस्कर आई हुई है इस बार की, उनका जो प्राइस है 200 रुपीज़, 400 रुपीज़ का पेयर, 200 रुपीज़ इसके, चाहे आप एल्बिनो ले लो या टाइगर ले लो। पाकू वही है मेरे पास जो पहले थी, थोड़ा सा बड़ी हो गई पहले से, 500 रुपीज़ पेयर हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बाय बाय।